हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ रुटियांजलि इन स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर 10 पैटर्न्स। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अवर चैप्टर एंड वी हैव सीन अ डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स एंड देन वी हैव सीन अ पैटर्न इन अ शेप्स। सो हमने जो पैटर्न के शेप्स थे वो 1, 2, 3 तक देखा था। यहाँ पे जो 4 नंबर है उसमें क्या सीक्वेंस आएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट हम देख सकते हैं जो कैंडल है ये 1, देन नेक्स्ट जो सीक्वेंस है उसमें 2 है, देन जो नेक्स्ट है उसमें 3 है, तो अभी जो नेक्स्ट है उसमें कितने आ जाएगी 4, तो यहाँ पे हमें कितने ड्रॉ करने हैं 4। यहाँ पे जो था ये 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, वो जो स्लैंटिंग लाइन में जो हमें दी हुई है कैंडल उसको भी हम कितना ड्रॉ करेंगे 4, तो 1, 2, 3 एंड 4। देन नेक्स्ट कितने आएंगे कैंडल्स, तो यहाँ पे 5 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर यहाँ पे कितने आ जाएंगे 5, क्योंकि सेम नंबर है दोनों के। तो यहाँ पे 1 थे, देन सेकंड, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5, 5। तो यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, तो इस तरह का ये पैटर्न पूरा बन रहा है। नेक्स्ट है हम देख सकते हैं जो हमें ये लीफ दिया हुआ है वो 1 है, पहले 1 है, देन उसी लाइन में हमें कितने दिए 3, मतलब कि 2 बटा दिए, देन कितने दिए 1, 2, 3, 4, 5, तो 3 थे, उसमें अगेन 2 ऐड कर दिए तो 5 हो गए, पहले 1 था, देन 2 ऐड किए तो 3, फिर 2 ऐड किए तो 5, अभी हम अगेन कितने ऐड करेंगे 2 ऐड करने, ये तो जितने हैं उतने बना नहीं और फिर उसमें 2 ऐड करने हैं, तो पहले तो हम ये बना देंगे, तो ये टोटल कितने लीव्स है 5 है, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो थे, और हमें कितने अंदर ऐड करने हैं, 2, 2 का हम यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, तो 7 हो गए, 1, 3, 5 एंड 7। एंड देन हम लास्ट में भी हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहाँ पे 7 थे और उसमें 2 ऐड किए हुए, मीन्स दैट मीन्स कितने हो गए 9, तो यहाँ पे 2, 2 के एडिशन में हमें लीव्स की पैटर्न दी हुई थी, ये आपको कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें जो डॉट्स है 1, 2, 3, 4, 5 डॉट्स है, तो 5 डॉट्स को हम यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, और पांचों को क्या किया हुआ है ज्वाइन किया हुआ है। देन सेकंड है उसने क्या है, देखिए एक रिमूव कर दिया है, ये वाला जो है वो रिमूव कर दिया है 5 में से, उस फिर अगेन क्या किया है ये वाला रिमूव कर दिया है, तो जो 5 डॉट्स है जिनको जुड़ा हुआ है ज्वाइन किया हुआ है उनमें से हमें एक एक लाइन्स को रिमूव करना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ये लाइन रिमूव की हुई है, देन अगेन क्या हुआ है ये भी लाइन रिमूव कर दी, तो कितना हो गया सिर्फ नीचे का बचा, हम अगेन क्या करेंगे उसमें एक लाइन रिमूव कर देंगे, तो देखिए ये जो 3 लाइन्स है उसमें से हमने ये वाली और ये वाली ड्रॉ कर दी और ये वाली जो है वो रिमूव कर दी। फिर अगेन नेक्स्ट में हम देख सकते हैं नीचे वाली रिमूव की गई है और ये सिर्फ एक बची है, तो जो 5 लाइन्स थी उसमें से एक एक लाइन्स को रिमूव करते जाना है, कम करता जाना है, तो यहाँ पे 5 थी, देन हमने 4 की, देन 3, देन 2 लाइन्स एंड लास्ट में 1 लाइन्स, तो इसी तरह से एक एक लाइन्स को कम किया गया है। यहाँ पे जो पैटर्न हमने किया वो भी आपको नोटबुक में भी कर देना है और यहाँ पे टेक्स्ट बुक में भी कर देना है। नेक्स्ट है स्टडी द पैटर्न एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स, तो यहाँ पे जो पूरी पैटर्न दी हुए उसको हमें स्टडी करना है और फिर जो मिसिंग नंबर्स हैं हमें वो फिल करने हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर हमें कौन सा दिया है 1, देन 3 दिया हुआ है, बीच में 2 नहीं दिया है, 1 मतलब कि एक नंबर स्किप किया गया है, जो नंबर्स हमारे होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 उसमें से 1 है, देन 2 स्किप किया हुआ है, देन 3 लिखा है, 3 के बाद 4 आता है, 4 को भी स्किप किया है और 5 लिखा है, 5 के बाद 6 नहीं लिखा है, एक नंबर स्किप किया, देन 7, 7 के बाद कौन सा आता है 8, हम उसको क्या करेंगे स्किप करेंगे, फिर 8 के बाद कौन सा आता है 9, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 9, 9 के बाद नंबर आता है 10, तो 10 को भी हमें स्किप करना है, एक एक नंबर स्किप करते जाना है, 10 को भी हम स्किप करेंगे, 10 के बाद कौन सा आता है 11, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 1, 1, 11, 11 के बाद कौन सा नंबर आता है तो 12 नंबर आता है, तो 12 को भी हमें स्किप करना है, यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया, जो नंबर्स होते हैं उसमें से एक एक नंबर को फर्स्ट 1 लिखा, देन 2 को स्किप किया, देन 3 लिखा, 4 को स्किप किया, 5 लिखा, 6 को स्किप किया,
7 लिखा, 8 को स्किप किया, 9 लिखा, 10 को स्किप किया, 11 लिखा और 12 को स्किप किया। उस तरह से हमने पूरा ये पैटर्न बना दिया है। नेक्स्ट पैटर्न है यहाँ पे 21, 22, 21, then 20। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक एक नंबर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हम पीछे जा रहे हैं बैकवर्ड। जैसे 1 के बाद 2, 3, 4, ये क्या होता है, फॉरवर्ड होता है। पर हम 5 से जाए 5, 4, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हुआ, फॉरवर्ड लाइन्स हो गई हमारी। लेकिन 5 के बाद हम 4, 3, 2, 1 ऐसे उल्टा जाए तो ये हमारी क्या हो जाएगा, बैकवर्ड हो जाएगा। तो हमें उस तरह से ये पैटर्न बनानी है। अगर हम पीछे से शुरू करें तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 एंड 22 हो जाएगा। और अगर आगे से हम लिखते हैं तो 22, 21, 20, 20 के आगे कौन सा नंबर आता है, 19 आता है, 19 से आगे 18, तो ये हमारा पूरा सीक्वेंस बन गया 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये भी पूरा सीक्वेंस बन गया जिसमें हम बैकवर्ड्स लाइन में हमें नंबर्स, जो नंबर्स हमारे होते हैं उसमें बैकवर्ड जाकर हमें यहाँ पे लिखना है। तो ये भी एक पैटर्न है। नेक्स्ट पैटर्न है यहाँ पे जो हमें एक ट्रेन दी हुई है उसमें से नंबर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है उसमें 10, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें 20, 20 के बाद जो नेक्स्ट है 30। तो यहाँ पे 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, 10 के बाद डायरेक्ट 9 नंबर्स स्किप करके 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 3 के बाद कौन सा आता है, 4 आएगा, तो 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी तरह से 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो ये भी एक पैटर्न बन गया नंबर्स का। नेक्स्ट है 11, 22, 33। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारा 11 to 20 नंबर्स होते हैं उसमें 1 बनाता है, फिर 2, 2, then 3, 3, तो 3 के बाद कौन सा आता है, 4, 4, 4, देन हमें यहाँ पे एक नंबर दो बार लिखना है। 4 के बाद कौन सा आता है, 5, तो 5, 5, देन 6, 6 दिया हुआ है, देन 7, 7। तो ये भी एक पैटर्न बन गया नंबर्स का। फिर जो हमें नेक्स्ट पैटर्न दिया है वो 5 है, बलून्स है उसमें। फर्स्ट बलून में 5, सेकंड में 10, तो यहाँ पे 5-5 नंबर का गैप है। कितने नंबर्स का गैप है, 5। 5 के बाद अगर उसमें हम 5 ऐड करें तो 10, 10 में 5 ऐड करें तो 1, 5, 15, उसमें 5 ऐड करें तो 20, 20 में 5 ऐड करें 25, और 25 में 5 ऐड करें तो 30, 30। तो ये भी एक पैटर्न बना दिया है जिसमें 5-5 नंबर्स ऐड करके एक पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट पैटर्न है 2, 5, 8, 11, यहाँ पे हमें नंबर्स दिखने हैं। तो यहाँ पे 2 के बाद कौन सा नंबर लिखा है, 5, मतलब बीच में कितने नंबर गए, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, और 4 के बाद 5 आता है। दैट मीन्स कि बीच में हमने दो नंबर स्किप कर लिए हैं, या फिर हम दो नंबर ऐड भी कर सकते हैं। अगर 2 में हम अगर हम कितने ऐड करें तो 5 आएगा, 3 ऐड करते हैं तब जाके आंसर क्या आता है, 5। 5 में 3 ऐड करते हैं तो 8, 8 में 3 ऐड करते हैं तो 11, और अगर हम बीच में 2-2 नंबर स्किप करें उस तरह के भी हम पैटर्न देख सकते हैं। 2 के बाद 3, 4 को स्किप किया तो 5 आया है, तो दैट मीन्स 5 के बाद 6, 7 2 नंबर स्किप किए तो 8 आया है, 8 में 2 नंबर स्किप किए तो 11 आया है, 11 में अगर हम 2 करें उसके बाद 12 एंड 13 तो फिर कौन सा आता है, 14 आता है, 14 के बाद 15, 16 स्किप करो तो 17, 17 के बाद 18, 19 स्किप करो तो 20, यहाँ पे उस तरह का पैटर्न बन सकता है। या फिर हम 3-3 ऐड कर भी कर सकते हैं तो भी पैटर्न सेम ही आएगा। ये भी आपको नोटबुक टेक्स्ट बुक में करके फिर नोटबुक में लिख देना है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो हमें पैटर्न दिया है उसमें क्या करना है, कंप्लीट द पैटर्न। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या दिया है, ट्रायंगल दिया है, एक दिया है, फिर जो नेक्स्ट सीक्वेंस है उसमें 2, देन 3, तो हमें क्या करना है, एक एक ट्रायंगल को बढ़ाते जाना है। यहाँ पे 3 थे तो हम आगे कितने बनाएंगे, 4, 1, 2, 3, 4 बना दिया हमने, 1, 2, 3 एंड 4, 4 के बाद कितने बनेंगे, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक एक ट्रायंगल को हमें ऐड करते जाना है। तो इस तरह की इस पैटर्न बन गई पूरी। सेकंड पैटर्न है उसमें क्या किया है, फर्स्ट पैटर्न में 3 फ्लावर्स है, देन कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, मतलब कि एक फ्लावर्स बट गया। अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो यहाँ पे 4 दिए थे तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, तो फिर एक बट गया। तो हमें एक एक फ्लावर को क्या करना है, इसमें ऐड करना है, जैसे हमने एक एक ट्रायंगल को ऐड किया था, तो यहाँ पे कितने फ्लावर आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
अभी सिक्स के बाद फिर अगेन एक ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, सेवन हो जाएंगे। फाइव एंड दिस वन इज सिक्स एंड सेवन, दैट मीन्स कि एक एक फ्लावर को हमने ऐड किया और फिर हमें पैटर्न बनानी थी। फर्स्ट में थ्री फोर देन फाइव देन सिक्स एंड सेवन, फिर यहाँ पे हमें जो दो ओवल पैटर्न दी हुई है उसमें भी क्या किया है, फर्स्ट दो थे देन कितने हो गए सेकंड में वन टू थ्री फोर, मतलब कि टू ऐड किए हमने, फिर इसमें चार है तो इसमें कितने हैं वन टू थ्री फोर और सिक्स, ये फोर तो थे ही और फिर दो ऐड किए, मतलब कि हमें दो दो शेप ऐड करने हैं, इस तरह का पैटर्न बनाना है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट तो सिक्स है तो हम सिक्स बना देंगे, सिक्स बना दिए और दो हमें पैटर्न में अगली ऐड करना था तो ये हमारे एट हो गए। अभी यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले तो एट बना देंगे और फिर हमें दो तो ऐड करने थे इस पैटर्न में, तो टेन टू फोर देन सिक्स देन एट एंड देन टेन, टू 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 यहाँ पे ऐड किए हुए, इस तरह का ये पैटर्न बनाया हुआ है। फिर जो नेक्स्ट है उसमें हम देख सकते हैं एक सर्कल है जिसमें क्रॉस किया हुआ है, पहले एक है फिर तीन हो गए, मतलब दो ऐड किए, फिर यहाँ पे तीन है तो तीन तो थे फिर फाइव हो गए, दो दो हमें ऐड करते जाना है, तो यहाँ पे सर्कल हमें दो दो ऐड करने, तो यहाँ पहले तो पाँच है तो वो पाँच हम बना देंगे और दो क्या करेंगे एक और दो ऐड कर दिए। फिर अगेन क्या करेंगे यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो है ही तो हम सेवन सर्कल बना देंगे और दो तो हमें ऐड करने थे इस सीक्वेंस में, तो दो तो एक था फिर दो ऐड किए तो तीन हुए, दो ऐड किए तो फाइव हुए, फिर दो ऐड किए तो सेवन एंड दो ऐड किए तो नाइन, उस तरह का ये पूरा पैटर्न बन रहा है। जो नेक्स्ट है हमें स्टार दिए हुए हैं, तो पहले कितने स्टार है वन टू थ्री फोर फाइव, ये फाइव है, फिर कितने नेक्स्ट में वन टू थ्री फोर, मतलब कि एक स्टार कम हुआ, फिर कितने ये फोर थे यहाँ पे वन टू थ्री, मतलब कि उसमें से भी एक कम हुआ, तो हमें एक एक क्या करते जाना है कम करते जाना है, तो यहाँ पे थ्री है तो हम यहाँ पे कितने ड्रॉ करेंगे सिर्फ दो ऐड करेंगे, टू ड्रॉ करेंगे सिर्फ हम इसमें, तो यहाँ पे हमने दो ऐड कर टू ड्रॉ कर दिए, तो अभी ये दो है तो उसमें से भी हमें क्या करना है एक एक कम करते जाना है, तो दो में से अगर एक कम करेंगे तो कितने होंगे ओनली वन, तो ये हो गया, ये भी एक पैटर्न बन गया। नेक्स्ट है मैच स्टिक दी हुई है, हम देख सकते हैं पहले हमें ऐसे एक मैच स्टिक दी हुई है फिर उसकी बाजू में उल्टी मैच स्टिक ड्रॉ है, दो हुई फिर क्या है तीसरी है, लेकिन वो भी क्या है एक पैटर्न में, हम देख सकते हैं पहले ये इसका जो सीधी दी हुई है देन ये दूसरी जो है वो उल्टी है फिर अगेन तीसरी सीधी है, तो हम पहले तो ये तीन बना देंगे और फिर तो इस तरह का हम पैटर्न बनना है। एक एक मैच स्टिक ऐड तो करनी है लेकिन कैसे करनी है, एक सीधी तो दूसरी उल्टी फिर सीधी और फिर उल्टी, हम देख सकते हैं इसमें ऐसे दो ऐड की हुई थी फिर सीधा था तो फिर हमें जो फोर्थ मैच स्टिक हम ऐड करते थे वो हमें उल्टी रखनी थी, तो पहले तो हम पूरा फिर ये पैटर्न अगेन बना देंगे, एक मैच स्टिक हमें ऐड करनी है इसमें एक मैच स्टिक ऐड करनी है, वो हम कैसे करेंगे सीधी करेंगे क्योंकि हमें एक सीधी तो एक उल्टी उस तरह से करनी थी, तो ये सीधी, तो ये भी एक पैटर्न बन गया है। फिर जो हमें लास्ट है उसमें क्या किया है, एक रेक्टेंगल दिया है फिर उसमें ऊपर एक कर्व लाइन ड्रॉ कर दी है फिर उसमें क्या किया है दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी है, तो ये क्या हो जाएगा हमें एक एक लाइन इसमें ऐड करके एक पैटर्न बनाना है, तो ये तो हमें दिया हुआ है हम एक कर्व लाइन ऐड करेंगे तो ये ऐसा पैटर्न बन जाएगा। फिर अगेन हम ये तो बना ही देंगे जो हमें दिया हुआ है आगे, तो ये बना दिया लेकिन एक एक कर्व लाइन ऐड करते जाना है, एक की थी इसमें ये दो फिर ये तीन और यहाँ पे क्या इतनी हो जाएगी फोर, तो ये भी एक पूरा पैटर्न बन गया। ये भी आपको टेक्स्ट बुक में करके नोटबुक में लिख देना है। नेक्स्ट पैटर्न है
कंप्लीट द पैटर्न्स। तो इसमें भी हमें उस तरह से करना है, टू, टू के बाद नंबर्स दिए हुए, टू फोर सिक्स एट, मतलब हम देख सकते हैं टू के बाद थ्री आता है तो थ्री नहीं लिखना है, फोर, फोर के बाद फाइव आता है तो फाइव नहीं लिखना है, सिक्स, सिक्स के बाद सेवन आता है वो नहीं लिखना है, एट, एट के बाद नाइन आता है वो नहीं लिखना है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, टेन, वन जीरो टेन, टेन के बाद इलेवन नहीं तो इलेवन के बाद ट्वेल्व, ट्वेल्व के बाद थर्टीन आता है वो नहीं, और थर्टीन के बाद फोर्टीन, तो ये भी एक पैटर्न बन गया ऐसे, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन, एक एक नंबर स्किप करके दिखा हुआ है। नेक्स्ट पैटर्न जो है वो है, जो हमें बकेट दिए उसमें पहले नंबर दिया है 27, 27 के बाद दिया है 28, 28 के बाद 29, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें सिर्फ कंटिन्यू करना है, तो 27, 28, 29 के बाद नेक्स्ट कौन सा नंबर होता है, 30, 30, उसके बाद 31, 31, 32, 32 एंड 33, 33, 27, 28, 29, 30, 31, 32 एंड 33। फिर जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हम देख सकते हैं 25, 25 के बाद 30 है, तो दैट मीन्स कि ये जो है वो पांच पांच नंबर का है, हम देख सकते हैं 25 में 5 ऐड किए तो 30, 30 में 5 ऐड करेंगे तो 35, उसमें 5 ऐड करेंगे तो 40, 40 में 5 ऐड करें तो 45, 45 में 5 ऐड करें तो 50, और 50 में 5 ऐड करें तो 55, वो आप ऐड करके भी लिख सकते हो, अगर आप 25 में 5 ऐड करते हो तो तभी 30 आंसर आता है, 30 में 5 ऐड करो तो कितने आते हैं 35, ये पूरा आप काउंट करके भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो सिक्वेंस है वो कैसी है पैटर्न, पहले हमें जो हाउसेस दिए उसमें फर्स्ट में 1 लिखा हुआ है देन 4 लिखा हुआ है, तो 1 में हम कितने ऐड करें तब आंसर 4 आता है, तो 2 3 ऐड करें, 1, 2, 3, 4, मतलब कि 3 ऐड करें तब जाके 4 आंसर आता है, 4 में हम कितने, यही हमें पैटर्न जो है वो कंटिन्यू रखनी है, तो जो इसमें 3 ऐड किए तो इसमें भी हम 3 ऐड करेंगे, 4 में 3 ऐड करते हैं तो 5, 6, 7 आंसर आया, 7 में 3 ऐड करते हैं तो 8, 9, 10, तो यहाँ पे आंसर 1, 0, 10 आएगा, 10 में 3 ऐड करते हैं तो 11, 12, 13, तो यहाँ पे 13, उसमें भी 3 ऐड तो 14, 15, 16, उसमें भी 3 ऐड तो 17, 18, 19, तो यहाँ पे उस तरह का पूरा पैटर्न 3-3 ऐड करके बनाया हुआ है, 1, 4, 7, 10, 13, 16 एंड 19। नेक्स्ट स्टेप पैटर्न है 15, फर्स्ट हमें 15 दिया है देन 13 दिया है, तो अभी हमें देखना है कि उन दोनों के बीच में कैसे गैप किया हुआ है, तो 15 में से 13 मतलब कि कम हो जाते हैं नंबर, तो कितने नंबर कम होते हैं, 15 में से हम कितने कम करें तभी 13 आंसर आता है, 2, 15 एंड 14 तब जाके आंसर 13 आता है, तो दो नंबर उसमें से निकाले तब 13 आया, 13 में से 2 निकाले तो 13, 12 तब जाके आंसर आया 11, तो इसमें से भी 2 निकाले, अभी 11 में से आप 2 निकालो तो 11, 1, 10 2 निकाल दिए तब आंसर क्या आया, तो यहाँ पे आंसर आएगा 9। अभी आप उसमें इस तरह से भी देख सकते हो, देखिए 15 है, 15 में एक नंबर कम करो तो 13 आता है, फिर एक नंबर बीच में स्किप करो बैकवर्ड जाके तो 11, 11 में से 10 नहीं लिखना है तो 9, 9 के बाद आगे 8 आता है तो 8 नहीं लिखना है, 7, 7 के आगे 6 आता है तो वो नहीं लिखना है, तो 5, और 5 के आगे 4 आता है तो वो नहीं लिखना है, तो 3, तो हम देख सकते हैं 3, 3 के बाद 1 स्किप किया 4, तो 5, 5 के बाद 6 नहीं लिखना है, 7, 7 के बाद 8 नहीं लिखना है, 9, 9 के बाद 10 नहीं लिखना है, 11, 11 के बाद 12 नहीं लिखना है, तो 13, 14 एंड 15, तो ये उस टाइम का पैटर्न बन गया। फिर यहाँ पे हमें टोमेटोज दिए उसमें भी नंबर्स लिखे हुए, तो फर्स्ट में है नंबर 10, तो 10, फिर हमें एक स्किप करके दिया हुआ है उसमें कुछ नहीं लिखा है वो हमें लिखना है, और नेक्स्ट जो टोमेटो दिया है उसमें 30 लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स कि 10, 10 का ग्रुप आएगा, देखिए यहाँ पे 10, 10 के बाद 20, 20, 1, 12, 20, 30, 30, तो 3 के बाद 40, 40, फिर 50 एंड देन 60, तो ये भी 10, 10 के नंबर्स का दिया हुआ है, 10, 20, 30, 40, 15 एंड 16, तो इस टाइप का ये पूरा पैटर्न बन रहा है। तो हमने इस चैप्टर में देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स कैसे बनाई जाती है, नंबर्स की, शेप की, लेटर्स की, उस तरह से यहाँ पे बनाई जाती है, तो वो सारी पैटर्न्स हमने देखी। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर 10 है पैटर्न इज ओवर हियर, एंड जो भी हमने पैटर्न्स देखी वो सारी टेक्स्ट बुक में कर देनी है आपको, और फिर नोटबुक में भी लिख देनी है उस पैटर्न्स को सारी, एंड द नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।